Hey guys, Kitna ji, this is MNV. Welcome back to my channel. Spam fam. This is our spam. Welcome back to Kitna ji. What? Okay guys, so आज की वीडियो है अर्श माँ के साथ, मतलब अर्श एंड आशिमा खन्ना के साथ. एंड आज की वीडियो सेकंड पार्ट है. फर्स्ट वीडियो जो पार्ट था वो मैंने बनाया था उन्नति एंड संकेत के साथ, जिसमें मैंने क्यू एंड ए आंसर आपसे क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे मांगे थे एंड आंसर्स किए थे. एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते या फिर हम इस तरह किसी को फॉलो करते तो करो यार, वहाँ पे ही सारे जाते हैं सारी चीजें, ये सब क्वेश्चंस वगैरह. सो वहाँ पे मेरे क्वेश्चन पूछे एंड फिर से बहुत ज्यादा वो क्लीशे क्वेश्चन थे जो मेरे को एक्सपेक्टेड था, और मेरे को 1000 क्वेश्चन में से थोड़े अच्छे क्वेश्चन निकालने पड़े, बाकी सब वही थे जो मेरे को एक्सपेक्टेड थे. सो आज का चैलेंज है गाइस, अगर आपने वीडियो देखी आपको पता होगा, हिट मी इफ आई एम रॉन्ग. अगर मैं अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, झूठ आंसर कर रहा हूँ, आप मेरे को मार सकते हो. अपना ना औजार लेके आए, ये लेके आए लिप्टन, ये लिप्टन आइस टी की छोटी बॉटल, ये ज्यादा चलाद लेके आया बेल्ट. एंड को अभी से डर लग रहा है, बट आई विल आंसर सही, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं. क्यों ऐसा झूठ में नहीं मारना, अगर मैं तो मुझे पता है वो झूठ है. अच्छी थोड़ा मुझे पता है, अच्छी थोड़ा एक्टिवली थोड़ा अपने चैनल के लिए चल. अच्छा ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ योर लाइफ वाज अ मूवी व्हाट सॉन्ग वुड बी ऑन द साउंडट्रैक. हां बताओ सर. दिल वाले पूछ व्हाई थैंक यू. If your life was a movie, what song would be on? ये तो तुम ज़्यादा बता सकते हो मेरे से. I think. नहीं तुझे क्या लगता है? Difficult. हाँ मेरी बस तेरी वजह से ज़्यादा. मैं ऐसे बचना. मैं ऐसे वो ladies वजह कि मेरे को title track माना मैं. कौन सा? आँखों के नीचे. Okay, so the second question is. Second question. If Ronnie could suddenly talk like the celebrity of your choice, whose voice would he have? I think I'll prefer कि उसकी आवाज हो सर्किट जैसी, वो अच्छा लगेगा. मैं मुन्ना भाई उस सर्किट बैठ जोड़ी है, और यहाँ पे साइड में बैठा होगा स्कूटर पे लेके जाओ. मैं नहीं मानती. क्यों? क्यों इतना अच्छा से? What did you use to wear that you thought was cool but now you realize it isn't? इसका आशी आंसर देगी. वो हर चीज के ऊपर मानो ऑफ वाइट की बेल्ट पहना पैसा भी नहीं, वो नकली थी कॉलेज टाइम में, वो मैंने बैंकॉक से ली थी, मैंने भी लेके आया था सुपर ड्राई हिसाब से हम सारे एक बार इमेजिका गए थे, एंड इमेजिका के बाद हम गए वहां पे एक स्नो वाला एरिया, एंड उसके बाद हम जब निकलते बाहर जाते हो ना अपने चीजें कलेक्ट करने, वहां पे एकदम लोग आते हैं, 100 लोग अपने सॉक्स उतार पता नहीं क्या इलीगली सॉक्स उतार रहे थे. आई थिंक हम सब बेहोश होने वाले थे. आई थिंक वो बहुत ऐसी स्मेल थी कि बस निकल जाओ वहां से पूरा. I don't want to talk. Thank you. हम भी साथ में थे. सारे थे यहाँ पे तो. ये बोला था एडलिन ने. Okay. So the next question is by Dolly Khicha. किसने खींचा? Okay. So what's that one thing that makes you guys together? Of course, you guys must be having ups and downs. I think damn fam में जो एक चीज़ है, I think that is love and understanding. I think कभी कभी कोई ना कोई ऐसा बहुत बच्चों वाला बिहेव करता तो दूसरा बहुत मैच्योर बिहेव कर लेता है, एंड ऐसा वाइस वर्सा होता रहता. तो वो अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई थोड़ा चाइल्डिश सा बिहेव कर रहा है तो दूसरा बहुत मैच्योर बिहेव कर लेता है, इसलिए वो ऐसा एक बार बार से लड़ाई होती है पर दिल से प्यार वही रहता है. हाँ मतलब पता लग जाता है. हाँ मतलब कि अगर बाहर से लड़ भी रहे तो अंदर से पता है कि बाद में 5-6 दिन बाद बुला. सो दैट इज अंडरस्टैंडिंग डॉली. नाइस क्वेश्चन.
ओके सर द ये पीएस की आवाज अगर बंद हो जाएगी तो मजा आएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मैशा, शी सेज ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10 हाउ क्लमजी आर यू। आई गेस 2 2 क्या हुआ? क्यों क्यों कितना हुआ? बिल्कुल गलत है। कितना माना मैं क्लमजी? 6 कम से कम 6। हां 5 6 5 6 8 खुद को नहीं ना लगती। तू तो मत ही बोल 10 on 10 10 on 10 क्लमजी हूं मैं। हां अच्छी बोल 10 on 10 हूं मैं। हां 10 on 10 नहीं बट क्लमजी तो है। हां क्लमजी तो बहुत है। संजीव ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विजेंद्र, व्हाट आर द टॉप 3 वर्ड्स दैट ब्रॉनी व्हेनेवर लिसंस कम नियर यू प्लीज टेल। जीजी फर्स्ट इज चीजी, सेकंड जो बहुत ही वर्ड उसके दिमाग में डाल दिया रिशु ने जबरदस्ती दैट इज एले। एले करके उसको एले सबसे ज्यादा सुनता है। एंड थर्ड के बाहर आ गया भाई। थर्ड इज घर की घंटी। हां थर्ड इज घर की घंटी बिकॉज़ घर की घंटी बजती है तो वीडियो भी एडिट कर रहे हैं ना, घर की घंटी बज रही है दरवाजे की तरफ आ जाता है। व्यू में अरे एले और सी सब वर्ड्स बोलते तो यही आ गए। जी यार बेचारा, अरे अरे बेचारा उसको लग रहा है रिलेटेड है कि कुछ ऐसा हुआ था एंड और वो ज़ॉम्बी भी नहीं था बट आशी भाग गई क्योंकि मुझे लगा मैं डेंजर में हूँ इसलिए मुझे लगा मैं भाग गई। शट अप डू यू गाइस पे ईच अदर फॉर कमिंग इन एवरीबॉडीज यूट्यूब वीडियो? यस सबके एक पर्सनल पर्सनल रेट है 25 रुपए डेली ब्लॉगर हो गया मेरी। आप हम क्यों चार्ज करेंगे एक दूसरे की वीडियो आने के लिए? नो वी डोंट। आगे से करना चाहिए ना, करना चाहिए ना, मतलब थोड़े थोड़े करके तो 6 रुपए स्टार्टिंग है। 6 रुपए बात में यूज करने के 10 फिर तो उन्नति किससे चांस लेगी नहीं। हाँ। तो बनाती नहीं यूट्यूब ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय कुशा लता शर्मा, व्हाट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर यू? ये मैंने शायद मेरे को करना नहीं था बट व्हाट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर व्हेन यू वर नहीं फॉर व्हेन हर्ष वाज ड्रंक बट यू हैवंट ये बताना पड़ेगा। ओके सो हुआ ऐसा था कि हम थे क्लब में सारे एंड अर्श एकदम से गायब हो गया क्लब से एंड हम सारे अर्श को ढूंढ रहे हैं सब, ठीक है, एंड आधा घंटा हो गया अर्श कहीं नहीं मिला एंड हम नीचे भी जाके आए मेन रोड वगैरह पे, वहां पे भी अर्श नहीं मिला। तो पूरे एक दो घंटे बाद हमें कॉल आता है अर्श के फोन से ही एंड कोई और रैंडम बंदा बात कर रहा है एंड वो बोल रहा है कि अर्श तो नीचे वाले क्लब में है। सो वहां पे दो क्लब थे एंड अर्श एक दो घंटे से नीचे वाले क्लब में खेल रहा था। सो फन फन लाइक सो दैट वाज अर्श आई थिंक एक्सपीरियंस बट वो हमारे लिए मस्त एक्सपीरियंस था बिकॉज हम काफी डर गए थे उस टाइम की कहां भाग गए। कॉलेज में होना चाहिए था वो जब शीशे तोड़े थे। So yes, 20 main gin raha tha.
ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन बाय खुशी, व्हाट इज द डंबेस्ट वे यू हैव हर्ट योरसेल्फ? एक तो ये है कि मैं आई गेस 9th 10th में था एंड मैं एक्टिवा पे जा रहा था एंड वो शादी खत्म होती है ना, शादी के बाद टेंट्स लगे होते हैं तो उसको ना उन्होंने ऐसा टेंट, जब शादी हो जाती है उसके बाद टेंट से बांध के रखते हैं, उसका गोला सा बना के ना वहां से लटका देते हैं, तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा इसके बीच में से निकलूंगा टेंट में से ऐसे एक्टिवा निकाल के, और मैं निकल रहा था मेरा हैंडल फंस गया उस टेंट में एंड बहुत ही गंदी तरह गिरा था मेरा सारा हाथ वगैरह सीख गया, तो दैट वाज आई थिंक द डंबेस्ट वे, बिकॉज मेरे को लग रहा था पता नहीं क्या ही कर लूंगा। आई थिंक एक वो भी है जब हम एग्जाम देने जा रहे थे बहुत कुछ हमारा था एग्जाम 9 बजे एग्जैक्ट और हम ना बाहर रहते थे उस टाइम हॉस्टल में नहीं रहते थे ठीक है, तो हम जा रहे बुलेट पे ये चला रहा और साइड में आके ना गाड़ी ने ठोक दिया हमको, मालूम गिर गया, मैं जंप करके खड़ा हो गया, इसको पता नहीं क्या हुआ दूसरे में जंप करके पीछे से निकल गया, मतलब गिरा नहीं तो हम गाड़ी वाले को तो चल गाली गुले निकाल दी चले गए, पेपर था बंदा मिनट पे और जब पेपर खत्म हुआ आके देखा मानव का पैर इधर खूनो खून, ये कब हुआ पेपर ऐसे था। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सुमित 15 ऑफिशियल, हैव यू गिफ्टेड AKT के द गिफ्ट्स ऑफ विनिंग मोस्ट लाइकली टू फिनाले? आई लाइक दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑन द वे, बच गया सून। ओके सो नेक्स्ट इज बाय कार्तिक कोकी फैनिज्म, Are you really an evil mind and naughty one? Saw in AK and Ashna's video. Of course not. वो ऐसा क्या? आप naughty mind नहीं हैं? क्यों naughty mind? Naughty one नहीं हूँ। क्यों? मैं तो naughty mind हूँ। बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वो मैं इनकी वीडियो में पता नहीं है ऐसे प्रोडक्शन ऐसे लेके आती है, रिडल जैसे लेके आ रही है कि माइंड में पता नहीं क्या चीज़ आएगी। वो तो यार नॉर्मल बंदा भी बोलेगा ही मुझे। चाहत भेवाल, विल यू अलाउ एनी अदर मेंबर्स टू जॉइन योर डैम फैम ग्रुप और नो स्पेस फॉर अदर्स, द बेस्ट फैम ग्रुप एवर? अभी ओपनिंग्स नहीं है क्या? आई कौन सा कोई फॉर्म निकालते हैं? एडमिशंस नॉट, आई थिंक ओपनिंग भी दो से बंद है, एडमिशंस आर क्लोज, बट आई डोंट थिंक अभी जैसे हमारे अंडरस्टैंडिंग का सबकी, आई डोंट थिंक कि कोई और कोई आएगा तो मैच कर पाएगा वो लेवल, बट अगर कर पाया तो हो जाएगा। हाँ वो हम भी कौन सा ऐसे थे 9 बंदे हो गए, हाँ, प्लान बनाएंगे हमारा ग्रुप बनेगा, सबके एक दूसरे का बहुत इंटरेस्टिंग, अगर कोई ऐसा आता है जो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी रैंडम कोई हमारे साथ रहेगा बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। सो यस दैट्स अ गुड क्वेश्चन चार्ली। सो नेक्स्ट इज बाय मिताल गामी, व्हाट वुड बी हार्ड टू गिव अप, करियर और फ्रेंड्स? हार्ड आई थिंक मेरा करियर ही बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स अभी चल रहा है जो भी है। नहीं बस हमारा जो करियर है दैट इज चिलिंग विद माई फ्रेंड्स, तो हमारा सब उसमें बेस्ट करियर है चिलिंग विद फ्रेंड्स। हाँ तो अगर हम फ्रेंड्स ही नहीं होंगे तो करियर ही नहीं है, बहुत ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका आंसर यही है कि ऑफ कोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करियर। नेक्स्ट okay dua vakar, if you have a girlfriend now will you be agreeing to move in with her and leave df house? I don't think, agar abhi meri koi girlfriend banti hai tabhi I don't think I can leave df house for now, so abhi ke liye to plan yahi hai ki girlfriend ko hi idhar le aao, bas move in wale phase ke liye I think I don't think move in wale phase ke liye koi bhi mujhe aisa lagta thoda time chahiye rehta hai, of course सुपर पावर व्हाट इट विल बी बाय द वे गायब। आई थिंक इनविजिबल वाली पावर, so much fun invisible okay क्या करोगे आप? बट सबका यार मतलब I'll go ऐसा सबको stalk करूंगा मैं, सबको पता है फ्रेंड में बड़े होगी तो चले होंगे सर।
केबिन में बैठे के लिए बाहर एंजॉय ऐसा आई थिंक इनविजिबल तेरी क्या होगी मैं नहीं बोला था मतलब तेरे ना मैं इनविजिबल मेरे को सोचना पड़ेगा मैं सुपरपावर लूंगा तो बहुत सोच समझ मैं इनविजिबल ही लूंगा मुझे तो एक दिन के लिए मिल जाए ऐसी कुछ भी एक दिन के लिए मिल जाए हाँ उसी में बन जाए मैं तो नहीं मेरे को उसमें रहना यार आज मैं देख रही थी ना वो सुपर पावर है तो नहीं है ऐसे ऐसे सुपर पावर रिच होना है रिच होना रिच विज काइंड लाइफ फॉर वन डे रिच होना गायब हो गए बैंक से चोरी चोरी बनाएंगे ना बढ़िया काइंड लाइफ फॉर वन डे ओके सो द लास्ट इज व्हाट इज योर वाइल्डेस्ट फैंटेसी मेरे से पिटाई का ना बेल्ट आई थिंक दैट विल बी टू मेक आउट इन अ वेरी सम माउंटेन ऐसा पूरा अकेला होता ना कि बाहर को स्काई दिख रही हो ऐसा नॉर्दर्न लाइट्स रौनक देख रहे हो रौनक देख रहे हो ओके सो आई गेस आई एम डन विद माय क्वेश्चंस यस सो दिस वाज इट एंड मेरे को इस बार बहुत कम मार पड़ी है यार मतलब पिछली बार मेरे को संकेत और बोला कि क्वेश्चंस गाइस मैं सीरियसली बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे मैंने बहुत ही ज्यादा फिल्टर किए हैं मैं सच्ची बताऊं एक दो क्वेश्चन ही थे जो भरे पड़े थे सारे तो मेरे को वो कह सके कि ये सभी क्वेश्चन पड़े हैं प्लीज थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेके आया करो यार ये सब क्वेश्चंस बेस्ट क्वेश्चंस थे 20 सो इफ यू वांट स्पाइसी आंसर्स तो प्लीज आस्क स्पाइसी क्वेश्चंस सो दिस वाज द वीडियो आई होप यू लाइक्ड इट क्यूएंडए वीडियोस आती रहेंगी आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहना एंड थैंक यू आशी फॉर ज्वाइनिंग एंड डू लाइक सब्सक्राइब सब कुछ नेक्स्ट टाइम थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय